नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, हर व्यक्ति कामयाब होना चाहता है, हर व्यक्ति चाहता है मैं सफलता की सीढ़ियां चढ़ता चला जाऊं, लेकिन आप भी जानते हैं कि हर व्यक्ति के लिए ये अचीव करना संभव नहीं हो पाता। तो आज के वीडियो में मैं 7 ग्रहों के 7 टिप्स लेकर आया हूँ आपके पास। ये 7 चीज़ों का ध्यान करते हैं तो जो कामयाबी के रास्ते में रोड़े अटक रहे हैं आपके, आप हर बार ऐसा हो जाता है कि कहीं ना कहीं जाकर आपका 99 पे काम अटकता है, या बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जिनका चंद्रमा इतना ज़्यादा ख़राब है, साथ में बुध अस्त हो गया या बुध की पोजीशन अच्छी नहीं है, समझते अपने आप को बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं लेकिन कर कुछ नहीं पाते, और चंद्रमा जब ख़राब है तो मोटिवेशन भी नहीं रहता। तो आज के वीडियो में 7 ग्रहों के उपाय कुछ टिप्स की फॉर्म में आपके साथ यूज़ कर रहा हूँ, जिससे कामयाबी आपके कदम ज़रूर चूमेगी। ध्यान से वीडियो देखिएगा, ये उपाय करने की ज़रूर कोशिश करिएगा। अब सबसे पहले बात करते हैं, कुछ समझदार लोग कहेंगे कि भाई हम तो सारे उपाय कर करके थक चुके हैं। कामयाब होने का सबसे पहली टिप जो है वो इसी चीज़ से संबंधित है, मेहनत आपने नहीं छोड़नी, नहीं तो अदरवाइज़ आप जितने मर्जी ज्योतिष उपाय इधर उधर के आप ये चीज़ गाड़ दीजिए 1 करोड़ मिल जाएगा, ये गाड़ दो 5 करोड़ मिल जाएगा, ये करोगे ये अरबपति बन जाओगे। आप भी जानते हैं जो ये बता रहे हैं वो भी अरबपति नहीं बने, तो आप कैसे बन जाएंगे? थोड़ा सा कॉमन सेंस भी तो लगाइए। करना क्या है? मेहनत, मेहनत। अब मेहनत के लिए कौन सा ग्रह जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है? वो है मंगल। अब लोग कहते हैं सर हम मेहनत भी करते हैं, सर मेहनत करने के बाद फल नहीं मिलते, मोटिवेशनल वीडियो, सर मैंने तो मोटिवेशनल वीडियोज़ देख देख कर अपने सारा डेटा पैक ख़त्म कर दिया, मोटिवेशन आता है 1-2 दिन आता है, दूसरे दिन बैठ जाता हूँ मैं, उसके बाद कुछ नहीं होता। ज्योतिष के भी कई वीडियोस देख लिए, 2-4 उपाय कर लिए, उन उपायों से भी कुछ नहीं हुआ, होगा भी नहीं। वो उसका रीज़न ये है कि मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ऐसी कोई रेसिपी किसी के पास नहीं है कि आपको घोल कर पिला दे, कोई ऐसा उपाय बता दे जिससे सारे काम आपके अपने आप बन जाएं। हाँ ये ज़रूर है कि सपोर्ट दी जा सकती है। तो आज का वीडियो पहले क्लियर कर लूँ, ज़्यादा समझदार लोग ये ना कमेंट करें कि ये सब चीज़ों से कुछ नहीं होता। जी बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि मेहनत सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मेहनत करनी पड़ेगी आपको, और ये कंसिस्टेंटली करनी पड़ेगी। ये नहीं 10 दिन मेहनत किया मैंने फिर छोड़ दिया, फिर मैंने कुछ किया फिर छोड़ दिया, वो नहीं चलेगा, कंसिस्टेंटली करिए। तो पहली टिप ये है मेहनत करें। और दूसरा, जो आप बार बार डिप्रेस हो जाते हैं, स्ट्रेस ले लेते हैं एकदम ही कि भाई ये तो कुछ नहीं हो सकता, मेरा लाइफ में कुछ नहीं बनने वाला, इसका मतलब चंद्रमा कहीं ना कहीं ख़राब है। इसी बेस पे मैंने एक उपाय आपके लिए लेकर आया हूँ, इन दोनों ग्रहों के लिए। बहुत सिंपल सा उपाय है, एक स्टील का लोटा लीजिए, उसके अंदर थोड़ा जल डालिए, थोड़ा दूध डालिए, थोड़ा मीठा डालिए। अपने घर के आसपास बरगद का पेड़ देखिए, बैनियन ट्री भी कहते हैं, बड़ का पेड़ भी कहते हैं। इस बड़ के पेड़ पर आप ये मीठा दूध चढ़ाकर जो गीली मिट्टी है उसका तिलक अपने इस स्थान पर करना शुरू करें। गीली मिट्टी का तिलक करने से ना सिर्फ आपका मंगल सही होगा, आपके चंद्रमा के रिजल्ट्स इम्प्रूव होंगे, प्लस आपको जो मंगल और चंद्रमा से संबंधित समस्याएं आती हैं वो भी कम होने लगेंगी। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, मोटिवेट आपको अपने आप ही करते रहना पड़ेगा। तो ये पहली चीज़। अब ये 2 ग्रहों के उपाय मैंने बताए पहली टिप में। दूसरी बात, अब लोग कहते हैं कि सर आप जितनी मर्जी मेहनत की बात कह लो, किस्मत से तो हम ऊपर जा ही नहीं सकते। बिल्कुल सही बात है, किस्मत अगर किस्मत में ही नहीं है तो मेहनत बहुत हद तक आप करते भी रहेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते। लेकिन एक बात ये भी तो ध्यान रखिए कि किस्मत तभी बनेगी जब आप मेहनत करते, क्योंकि आपके हाथ में आपकी किस्मत नहीं है, आपके हाथ में कर्म है, फल आपके हाथ में नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं, कर्म करिए, मेहनत, जैसा मैंने पहली टिप में बताया। अब दूसरी टिप में मैं क्या कहता हूँ कि किस्मत का लाभ लेने के लिए अपने बृहस्पति के फल को इम्प्रूव करिए। बहुत सारे मैंने अपने वीडियोस में शेयर किए हैं, और एक दोस्तों हमारे वीडियोस नियमित तौर पर देखते रहें, उससे भी मोटिवेशन मिलेगा। क्योंकि नेगेटिव लोगों की बातें अगर आप सुनते रहेंगे तो वैसे भी आप बहुत ज़्यादा, सूर्य ग्रहण हो गया तो ख़त्म हो गए, चंद्र ग्रहण हो गया, राहु आ गया, इधर आ गया उधर आ गया,
तो वैसे भी नेगेटिव हो जाएंगे आप। तो पॉजिटिव सोचते रहिए, जितना आप पॉजिटिव वीडियोस देखेंगे आप उतनी पॉजिटिविटी आपके मन में आएगी। अब किस्मत का लाभ लेने के लिए मैंने कहा कि आप केसर का तिलक, वैसे तो नाभि जुबान माथे पे लगा लें, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम माथे पे तो लगाइए, यहाँ पर इस स्थान पर लगाइए, ये खाना नंबर 2 माना जाता है। मैंने कई वीडियोस में बात भी करी है, आप वो वीडियोस डिटेल से भी देख सकते हैं, सारी बात रिपीट करना यहाँ संभव नहीं होगा। तो ये दूसरी टिप करी, इससे आपका बृहस्पति ग्रह मजबूत होना शुरू हुआ। अब और आगे बढ़े, आप कहते हैं मुझे कामयाबी चाहिए, शोहरत चाहिए, नाम चाहिए, इन सब चीज़ों के लिए देखा जाता है सूर्य को। अब सूर्य अगर आपकी पत्रिका में अच्छा नहीं है तो आप जितनी मेहनत करते हैं उतना आपको रिजल्ट नहीं मिलता। आप कामयाबी पाना चाहते हैं तो 2-3 छोटी छोटी टिप्स दे रहा हूँ जिससे आपका सूर्य भी मजबूत होगा और आपको सूर्य के रिजल्ट अच्छे मिलेंगे, और सरकारी काम कोई अगर आप कर रहे हैं तो उसमें भी लाभ मिलेगा। अब करना क्या है, सबसे पहले तो मैंने जैसे अपने कई वीडियोस में कहा है कि नियमित तौर पर सूर्य को जल देते रहें, सुबह उठकर तांबे के लोटे में नॉर्मल प्लेन जल बना लीजिए और सूर्य देव को दीजिए, और गायत्री मंत्र का जाप, मैंने अपने म्यूज़िक वीडियोस पे भी गायत्री मंत्र का उच्चारण के साथ वीडियो शेयर किए, आप उसको सुनते रहें और बोलते रहें। जितना नियमित जाप करेंगे आपके सूर्य के रिजल्ट्स अच्छे हो गए। और एक कार्य और करिए, दलिया बना लीजिए, मीठा दलिया बना लीजिए, उस मीठे दलिए को नियमित तौर पर थोड़ा लोगों में बांटते रहें, और अगर बहुत ज़्यादा मीठे पे अगर आपका कहीं वहम होता हो तो आप नॉर्मल थोड़ा नमकीन दलिया भी बनाकर भी बांटेंगे तो भी कोई नुकसान वाली बात नहीं है, ये भी आप कर सकते हैं। इससे धीरे धीरे आपके सूर्य के फल मजबूत होने लगे। और एक चीज़ और करिए, सूर्य को फल को मजबूत करने के लिए जब भी किसी इम्पॉर्टेंट काम में जाएं, इम्पॉर्टेंट मीटिंग में जाएं, अब आपको पता है कि ये लाइफ और डेथ का सवाल है, आप क्या करिए, थोड़ा सा गुड़ मुंह में रख के फिर पानी पी के फिर जाइए। गुड़ जो है वो सूर्य से संबंधित है, उसकी मिठास जो है वो मंगल की है, और जो पानी आप पी रहे हैं वो चंद्रमा का है। तो तीनों ग्रहों की एनर्जी को आपने साथ लिया और फिर चले गए, देखिएगा काम क्यों नहीं होगा। और दोस्तों चंद्रमा पे ज़रूर ध्यान रखिएगा, चंद्रमा मन का कारक है, बार बार डिप्रेस हो जाना, डबल माइंडेडनेस हो जाना, सोचते रहना, कई लोग तो सोचते रहते सालों तक सोचते रहेंगे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तब तक वो अपॉर्चुनिटी निकल जाती है। तो सूर्य को मजबूत करिए। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि सर मुझे अपना काम शुरू करना है, अपना बिजनेस करना है, तो इसके लिए बुध की ज़रूरत पड़ेगी आपको, क्योंकि बुध व्यापार का कारक है। शनि की ज़रूरत पड़ेगी, शनि से संबंधित उपाय मैं अगली टिप में बात करूँगा, पहले बुध से संबंधित एक उपाय, बहुत अच्छा उपाय है, बहुत आसान उपाय है और बहुत महंगा उपाय भी नहीं है। आप साबुत बादाम ले लीजिए, एक मुट्ठी साबुत बादाम लेकर कन्याओं में, छोटी कन्याएं 9 वर्ष से कम उम्र की कन्याओं को आप खाने के लिए दें, 3, 6, 9 इस तरह से कन्याएं ले सकते हैं, 3 कन्याएं हो, 6 कन्याएं हो या 9 कन्याएं हो, और अगर आप 9 से ज़्यादा करना चाहते हैं तो इसी सीक्वेंस में यानी 12 इस तरह से आप आगे और कन्याओं में बांट सकते हैं। वो बादाम जो हैं वो शनि से संबंधित माने जाते हैं, जो कन्याएं हैं वो बुध से संबंधित हैं, शनि और बुध के दोनों के अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो व्यापार जो है धीरे धीरे आपका चलना शुरू हो गया। और एक बात और ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर व्यापार में निरंतर असफलता मिल रही है, आप चाहते हो कि व्यापार अच्छा चल जाए गुरुजी किसी तरह से, ऐसा कोई उपाय बताओ, तो बुध से संबंधित कारकों का भी ध्यान रखिए। जैसे एक कारक पे बात करता हूँ क्योंकि लंबा हो जाएगा वीडियो, मेरा शेड्यूल बहुत ज़्यादा हेक्टिक चल रहा है। आप ये कर सकते हैं, अपने दांतों का खास ख्याल रखो, कैविटी हो रही है अगर दांतों में, जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट कराओ ताकि बुध से संबंधित नुकसान ना हो। तो ये हो गया आपके बुध का उपाय, इस तरह से सिस्टमेटिक, ये कोई किताबों में लिखे उपाय नहीं है, ये सारे एक्सपीरियंस बेस्ड, पिछले 20 साल से जो ये उपाय हम लोगों को करा रहे हैं उसके बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से आप अपनी लाइफ में अपनी लाइफ को बेटर कर सकते हैं। और ट्राइड एंड टेस्टेड है, 100% रिजल्ट आया है जिन लोगों ने कंसिस्टेंटली किया है, तो विश्वास करके जरूर करिए। अब आ जाते हैं अगली टिप पे जो कि है शनि ग्रह से संबंधित। अब शनि जैसा मैंने कहा नौकरी के भी कारक माने जाते हैं, व्यापार के भी कारक माने जाते हैं, शनि देव की कृपा के बिना नौकरी व्यापार में ग्रोथ नहीं आएगी। और इसीलिए बहुत सारे लोगों को मैं सजेस्ट करता हूँ, जब आप किसी को कंसल्ट करते हो शनि से संबंधित ऐसे उपाय जिसके अंदर कुछ चीज़ें दबानी हैं, जैसे सुरमा दबाना है या फिर मान लीजिए सीमेंट का कुछ मिट्टी का बना के उस पर सीमेंट डालकर वो दबाना है,
इसमें बहुत सोच समझ कर उपाय करा करिए, क्योंकि शनि से संबंधित फिर वर्षफल में अगर शनि खराब हो गया तो पूरे साल तक रिजल्ट अच्छे नहीं मिलते। अब शनि से संबंधित आप अच्छे रिजल्ट चाहते हैं, तो जो अगली टिप दे रहा हूँ मैं, ना सिर्फ शनि से संबंधित अच्छे रिजल्ट आएंगे, शुक्र से भी संबंधित अच्छे रिजल्ट आएंगे। इसमें करना क्या है, काली गाय की नियमित तौर पर सेवा करनी शुरू करिए। काली गाय आसानी से उपलब्ध हो जाती है, गौशाला भी जा सकते हैं, काली गाय की सेवा आप करना शुरू करें। जो काली गाय है शनि से संबंधित, गाय जो है वो शुक्र से संबंधित है, काला रंग जो है वो शनि से संबंधित है, शुक्र और शनि दोनों के अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो इस तरह से अगर आप ये कुछ टिप्स फॉलो करेंगे, और सबसे इम्पॉर्टेंट टिप मैं फिर रिपीट कर दूँ, मैंने जो जहाँ से बात शुरू करी थी, मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है, देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस, सिंपली ये आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, नहीं तो अदरवाइज वीडियोस तो बहुत सारे हैं, ये चीज़ करो अरबपति, ये चीज़ करो करोड़पति, तो फिर वीडियोस देखते रहिए, वो उपाय करते रहिए, कुछ नहीं होगा। ये जो टिप्स मैंने आपसे शेयर करी हैं, जब आप नियमित तौर पर अपने नित्य क्रम में ले आएंगे तो धीरे धीरे आपको इसका लाभ मिलने लगेगा। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। चैनल पर नए हैं अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, शायद हो सकता है आपके किसी शेयर से आप अगर वो उपाय नहीं कर पा रहे, दूसरा कोई कर लेता है, तो शायद हो सकता है उसका कुछ लाभ हो जाए। धन्यवाद दोस्तों, अपॉइंटमेंट के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करके बुक कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।